Good morning and welcome to today's session with the Biyani Group of Colleges. We have with us here today Dr. Sanjay Biyani, Academic Director of the Biyani Group of Colleges. Dr. Biyani is a qualified chartered accountant, an educator, and a prolific youth counselor. Welcome to today's session, sir. Sir, today I wanted to ask you something about counseling. आपके इंस्टीट्यूशन में हमने देखा है कि एडमिशन लेने से पहले भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है बच्चों को दिया जाता है एंड एवरी संडे भी आप यूथ से मिलते हैं टू काउंसेल देम. तो व्हाट इज़ काउंसलिंग एंड हाउ डू यू काउंसेल स्टूडेंट्स और यंग पीपल हु कम टू यू? देखिए, काउंसलिंग इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर यंग स्टूडेंट्स जो जस्ट अभी जिन्होंने अपना 12th पास आउट किया है, जो अपना करियर ऑप्ट करने जा रहे हैं. मुझे लगता है ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, शायद लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट करने से भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है. रीज़न ये कि एक बार आपने जो कोर्स सेलेक्ट कर लिया, होल लाइफ आप उस कोर्स के साथ रहेंगे. सो कितना इम्पॉर्टेंट है इस बात को डिसाइड करना कि हम कौन सा कोर्स करें. हमारी स्ट्रेंथ को जान लेना, हमारी वीकनेस को जान लेना, हमारे पैशन को जान लेना, हमारे एप्टीट्यूड को जान लेना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो बेसिस रहेंगे जिसके बेसिस पे हम जो कोर्स का सिलेक्शन करेंगे और उसी सिलेक्शन के बेसिस पे हमारा प्रोफेशन में रहेंगे और प्रोफेशन के बेसिस पे हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम केस में मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स ये सब डिसीजन इन्फ्लुएंस से लेते हैं. इन्फ्लुएंस होता है नेबर्स का, इन्फ्लुएंस होता है रिलेटिव्स का, इन्फ्लुएंस होता है फैमिली मेम्बर्स का, और इस कारण से हम किसी इन्फ्लुएंस से वो डिसीजन लेते हैं. जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर पर्सन ही डिफरेंट है इस सोसाइटी के अंदर. मुझे लगता है कि अगर हम करोड़ों लोगों में नज़र डालें तो कोई भी दो लोग एक से नहीं मिलते. इसका मतलब ये है कि सब में कुछ बाई बर्थ इनबिल्ट कुछ कैपेबिलिटीज़ होती है. उन कैपेबिलिटी को पॉलिश करना और उन्हें आगे बढ़ाना ही मेरे हिसाब से काउंसलिंग का एक मेन क्राइटेरिया होना चाहिए. तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम सब लोगों को एक एप्टीट्यूड एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं. इस टेस्ट में कुछ तो साइकोलॉजिकल पिक्चर्स हैं. किसने मुझसे पूछा कि ये दुनिया कैसी है, तो मेरा रिप्लाई था आपका जैसा उसके प्रति नज़रिया है. अगर आपने ब्लैक स्पेक्स लगा रखा है तो आपको ब्लैक दिखाई देगी और ग्रीन होगा तो ग्रीन दिखाई देगी. तो हर इंडिविजुअल का एक परसेप्शन है. वो परसेप्शन उनको जब साइकोलॉजिकल पिक्चर में हम उनको दिखाते हैं तो एक ही पिक्चर में बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं. उनका अपना व्यू पॉइंट जो है वो उससे इमर्ज होकर आ जाता है. तो कुछ साइकोलॉजिकल पिक्चर्स पे उन्हें अपनी फीडबैक देने होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो उनका पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो क्रिएटिव है, लॉजिकल है, मैनेजरल स्किल है, टेक्निकल स्किल्स हैं, एंथुजियाज्म का लेवल क्या है, फोकस्ड कितने हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उनका, लॉजिकल रीजनिंग कितनी है उनकी. ये सब बातें बहुत आसानी से हम उस क्वेश्चंस के माध्यम से और उन स्लाइड्स के माध्यम से आसानी से समझ लेते हैं. और लगभग हम 100% तो नहीं लेकिन 90% एक्यूरेसी से ये बात बोल रहे हैं कि हम 90% एक्यूरेसी से उनकी पूरी पर्सनालिटी को स्कैन कर लेते हैं. और अगर उनकी पर्सनालिटी को स्कैन करने के बाद में, उनके नेचर को समझने के बाद में, उनके एटीट्यूड को समझने के बाद में, उनके एप्टीट्यूड को समझने के बाद में, जब हम लॉजिकली अगर उनको कोई कोर्स सजेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत ही साइंटिफिक होगा, बहुत ही सही होगा. और अगर उसी अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है फिर सक्सेस है. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सक्सेस का मतलब सिर्फ मार्क्स लाना है और मार्क्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर लें कि वो साइंस में जाए या कॉमर्स में जाए. ये ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट हो गया. आज तो करियर की अथाह संभावनाएं हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, किसी भी एरिया में कोई काम किया जा सकता है. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को उनके सामने रखें, स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात करें, वीकनेस को ओवरकम करने की बात करें, और स्ट्रेंथ और वीकनेस को मद्देनजर रखते हुए ही उनको उनके कोर्स के प्लानिंग के बारे में बताया जाए कि उनके लिए हमने कौन सा कोर्स सजेस्ट किया है. और मुझे लगता है इसी तरह से सही कोर्स का डिसीजन लिया जाना चाहिए. और इस तरह से अगर हम डिसाइड करेंगे तो मुझे लगता है यूथ होल लाइफ हैप्पी रहेगा और हैप्पीनेस बढ़ाना ही हमारी सोसाइटी का काम होना चाहिए.
एक टीचर का काम होना चाहिए, एक पेरेंटिंग पेरेंट्स का काम होना चाहिए। अगर हम लोग अगर यूथ को प्रॉपरली गाइड करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को बेटर आउटकम मिलेगा। सो इस काउंसलिंग के दौरान अनु हम यही कोशिश करते हैं, और हमारी ये काउंसलिंग का जो पीरियड है वो करीबन 45 मिनट्स का है। अच्छा, स्टूडेंट्स को एक जनरली इसमें कन्फ्यूज़न भी रहता है कि मुझे बेस्ट टेंस पर टिक लगाने हैं क्या, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा आपको बेस्ट आंसर नहीं लगाने हैं, और ना कोई बेस्ट आंसर है, हर आंसर ही राइट है, आपको वो आंसर लगाने हैं जैसे आप हैं। अगर आप ऑनेस्टली उस पर टिक लगाएंगे तो हम ऑनेस्टली आपको जवाब देंगे। सो ये जो टेस्ट है इसका ड्यूरेशन लगभग 45 मिनट्स का होगा, जिसमें बच्चों को एक टेस्ट पेपर देना होगा। पर डोंट वरी अबाउट इट, इसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है, इसमें कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो आपकी पर्सनालिटी को स्कैन करेंगे। सो आफ्टर दैट यू विल फाइंड, अगर आपने काउंसलिंग के दौरान हमारी जो बातें हैं उसको सुना होगा और उसे आप सुनेंगे और वास्तव में सुनेंगे, क्योंकि सुनना भी एक बात है लेकिन वास्तव में सुनना भी दूसरी बात है। अगर आपने वास्तव में अपनी स्ट्रेंथ को समझ लेंगे और अपनी वीकनेस के बारे में और उस वीकनेस को ओवरकम करने के बारे में जब टिप्स आप सुन लेंगे और आप उस पर काम करने लगेंगे, तो मैं आपको निश्चित रूप से बोलता हूँ कि आपको 100% सक्सेस मिलेगी। और इस तरह से जो काउंसलिंग है वो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जी बिल्कुल सर, ये काउंसलिंग एक्टिविटीज़ आई एम श्योर बच्चों को सही गाइडेंस देते होंगे कि उन्हें कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। पर कई एक बार हमारी सोसाइटी में ये होता है कि पेरेंट्स एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि बच्चों को ये नहीं यही कोर्स कराना है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे सेशंस में सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग के साथ साथ फैमिली की भी कोई एजुकेशनल काउंसलिंग होनी चाहिए? देखिए, हमारी सोसाइटी में ये एक नेग्लेक्टेड पार्ट है। लोग काउंसलिंग को टेक इट ग्रांटेड लेते हैं, उसको बहुत ईजी लेते हैं। सो काउंसलिंग तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और अगर उन्हें लगता है कि हमारे को कहीं प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को डील करने में, तो उन्हें भी समझना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी लोगों का फोकस डिफरेंट डिफरेंट है। सो समटाइम हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रेशर्स के वजह से उन चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते जिसको काउंसलर रोज़ाना देखता है। तो बात यह नहीं है, कोई बात मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत नई बात होती है, पर अगर वो बात आपके लिए है और आपके पर्पस से है तो जनरल होते हुए भी आपके लिए वो बहुत यूनिक है। सो मुझे लगता है कि आज के टाइम के अंदर जबकि प्रोफेशनल लाइफ में प्रेशर्स बढ़ रहे हैं और लोगों को अपने बच्चों के पास के लिए टाइम कम बच रहा है, वो फोकस नहीं दे पाते, तो अगर वो काउंसलर से अगर एडवाइस लेंगे तो मुझे लगता है वो बच्चों को बेटर एजुकेट कर पाएंगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट अभी ऑल्दो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, थोड़ा नया है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पॉर्टेंस सभी पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। इवन मैं देखता हूँ कॉलेज एजुकेशन के दौरान तो वो कभी मिलना भी नहीं चाहते हैं और कभी आकर बात भी नहीं करते, लेकिन अगर वास्तव में अगर हम बच्चों को उस हमारे ड्रीम्स के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, उन्हें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो ट्रूली हमारे को उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। सो सर, काउंसलिंग इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, लेकिन लाइक यू जस्ट मेंशन्ड कि अगर हम बच्चों के लिए कोई ड्रीम्स रखते हैं तो उनको सक्सेस में ट्रांसलेट करने को पेरेंट्स को भी अपने आप को काउंसिल करना चाहिए, किसी काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो इज इट राइट टू बिलीव दैट ड्रीम्स को सक्सेसफुल बनाना हमारे ही हाथ में है देन आउट एंड आउट, या कुछ रोल सिर्फ डेस्टिनी का भी इसमें होता है? डेस्टिनी, ड्रीम्स बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बहुत ब्रीफली बता दूँ कि इस दुनिया में वही काम होते हैं जो हम चाहते हैं, हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा हम महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम फ्लॉप हो सकते हैं तो हम फ्लॉप हो सकते हैं। तो मेरा तो ऐसा पर्सनली बिलीव है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही सब चीज़ें होती है। बच्चों की परवरिश भी हमारे हाथ में है और बच्चों को बनाना भी हमारे हाथ में है। जहाँ तक ड्रीम को रियलिटी का सवाल है, तो मैं कई बार ये बात बोलता आया हूँ कि ड्रीम को रियलिटी में बदलना अब मनुष्य के हाथ में ही होता है, हमारे हाथ में ही है। डेस्टिनी अगर होती भी हुआ है तो उसका रोल 5% ही है, 95% तो एक्शन ओरिएंटेड ही काम होते हैं।
तो अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो हमारे में ड्रीम को रियलिटी में बदलने की 4 स्टेप्स बताना चाहूँगा, जिसके बारे में फिर जब काउंसलिंग के दौरान हम डिटेल सेशन भी लेते हैं। लेकिन मैं बताऊँगा कि कोई भी चीज़ तब आपकी सामने आती है जब आप उसके बारे में पहले तो सोचते हैं, यानी ड्रीम लेते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है उन ड्रीम पे बिलीव करना। बहुत कम लोग हैं जो अपनी ड्रीम पे बिलीव रखते हैं, और ऐसा कहूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ड्रीम पे 100% बिलीव रखते हैं। 100% बिलीव चाहिए अगर 100% सक्सेस चाहिए तो। तो 100% बिलीव अगर आपके ड्रीम पे होगा तो आप समझ लेना आपने सेकंड स्टेज पूरी कर ली है 100% सक्सेस के लिए। और उसके बाद में थर्ड स्टेप होता है, जिस चीज़ को आपने ड्रीम ले लिया, जिस चीज़ पे आपने बिलीव कर लिया, अब उसे विजुलाइज करिए। क्योंकि नेचर मुझे लगता है ब्लेस करने का काम करती है, और अगर हमने बिलीव कर लिया तो नेचर हमारे को बिलीव तब ब्लेस तब करेगी जब हम उन चीज़ों को विजुलाइज करेंगे, हम उन्हें होते हुए देखेंगे, हम उन्हें महसूस करेंगे। और आप महसूस भी तभी कर सकेंगे स्टेज नंबर थर्ड पे जब आप उन चीज़ों पे बिलीव करते हो। तो पहला ड्रीम, देन बिलीव, देन विजुलाइज, दिस इज थर्ड स्टेप। एंड फाइनली यू हैव टू मेक योर एफर्ट्स फॉर इट, स्टेप नंबर फोर्थ। देन यू हैव टू मेक योर एफर्ट्स, फिर आप उस पर कंसिस्टेंटली एफर्ट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अगर ये चारों स्टेप अगर पूरी शिद्दत से कर दी जाए, पूरी तरह से ड्रीम लिया जाए, उन ड्रीम पे 100% बिलीव कर लिया जाए, उन बिलीव किए हुई चीज़ों को विजुलाइज कर लिया जाए, उन विजुलाइज चीज जो आपने किया है उनके बारे में कंसिस्टेंटली यदि एफर्ट्स किए जाए, तो मेरा पूरा विश्वास है कि हर ड्रीम जो है ना रियलिटी में बदलता है। तो आप अपने बच्चों को जो भी देखना चाहते हैं ना, आप वैसे ही सोचिए। प्लीज़ इस बात पे मेरी नज़र डालिएगा, इस बात पे गौर करिएगा कि जाने अनजाने में भी नेगेटिव ना सोचे अपने बच्चों के बारे में। ये कॉमन प्रॉब्लम है, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक तो हम सोच सोच के उन्हें नेगेटिव बना देते हैं। तो जब भी आप कुछ बोल रहे हो, जब भी आप कुछ सोच रहे हो, बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, वो जो बोल रहे हो, वो घटनाएँ आपके जीवन में घट सकती है। वो घटना इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी कंसिस्टेंटली इस बात को बोलना चालू किया है और किस हद तक आप बोल रहे हैं। इसलिए योर वर्ड्स मेक्स योर डेस्टिनी, तो वर्ड्स पे नज़र डालिएगा। मुझे लगता है कि ड्रीम को बिलीव में, ड्रीम को बिलीव में और विजुलाइज करके हकीकत में बदलना हम लोगों के हाथ में होता है। 95% हद तक हमारे हाथ में होता है, और जो 5% चीज़ें अगर लक होता है, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोलेबल भी नहीं है, जिनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसको डिस्कस करके हमें समय ख़राब भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर बियानी ऑन ऑल आवर बिहाफ, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि काउंसलिंग के वक्त हम साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं या रिटन फॉर्मेट में आपसे कुछ लिखा के बस आपको रैंडमली जज कर लेते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी ये है और आप वो चीज़ नहीं कर सकते, पर सर ने हमें ये बताया है कि पेरेंट्स का जो अपने बच्चों के प्रति नज़रिया है वो भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि उनके बच्चे कितने सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। एंड ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के भी सपने होते हैं, माँ बाप के भी सपने होते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ फैमिली में ये है देखना कि किसका ड्रीम ज़्यादा रियलिस्टिक है और उन ड्रीम्स को कैसे रियलिस्टिकली अचीव किया जाए। तो इससे आई थिंक जो ये काउंसलिंग जो ऐसे सेशंस होते हैं, इससे ना केवल हमारी अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो बाहर निकलती हैं, बल्कि वी आर ऑल्सो एबल टू रियलाइज के हाउ रियलिस्टिक आर ड्रीम्स आर, एंड देन वी आर एबल टू अचीव देम। एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट हाउ सर काउंसल्स द स्टूडेंट्स और सर से मिलने के लिए पर्सनली, यू कैन लॉग ऑन टू www.sanjaybiyani.org। डॉक्टर बियानी न सिर्फ बच्चों को काउंसल करते हैं ड्यूरिंग एडमिशन टाइम, बट बाकी टाइम पे भी अवेलेबल हैं अपने विद्यानगर कैंपस में। एंड टू नो मोर अबाउट आर कैंपस एंड अबाउट द बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यू कैन लॉग ऑन टू www.biyanicolleges.org। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वुड वॉन्ट टू शेयर इट, प्लीज़ फील फ्री, and please feel free to meet us and encourage others to come visit us as well. For more details about all of us, you can also log on to www.gurukpo.com, jahan pe aapko education se related tips milenge aur bahut sari informative
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस दिस इज अनु भटनागर हेयर. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू.